हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम परवी आसपी सरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज कुछ जो हमारा इलेक्ट्रिक ब्लू है इसका दो टो फीमेल लोडेड है करीबन डेढ़ हफ्ते पहले से। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो फीमेल लोड होता है अंडे से, हम उसको उसका अंडा निकल नहीं लेते क्योंकि हमारे पास उसका हैचरी नहीं है। मतलब उसका हैचरी कांच का खरीदा जाता है बाहर के कंट्रीज में, हमारे इंडिया में किसके पास है पता नहीं। तो उसका हैचिंग करने का वो अलग चीज़ होता है, उससे अंडा हैच होता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, अंडा हैच हुआ अंडा, मतलब जिसका आँख निकल चुका है, टेल निकल चुका है, तो वो उठाएंगे। करीबन डेढ़ हफ्ते हो चुका है इन सबको, इन दोनों को लोड हुए हुए, तो अभी ये पूरा बच्चा ही देगा। तो पहले उठा लेते हैं, देखिए इसमें से आ गया, उठा के आप लोगों को दिखाते हैं। ये रहा एक, पहले उठा लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो सब अंडा निकल देगा। और एक तो है वहाँ पे, और एक तो जो है उसका शायद अंडा है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एक ही देखा था। ये वाला है या दूसरा वाला देख लेता हूँ, और है क्या। तो अभी इसको दिखाते हैं आप लोगों को। इस ये जो हमने बकेट लिया है, बकेट में इसी का पानी है, इसी टैंक का, तो दिखाते हैं आप लोगों को। अभी पहले इसका देख लेते, देखिए इसका अंडा है कि नहीं। देखिए यहाँ का मुंह का नीचे का हिस्सा फुला हुआ रहेगा तो समझ में आएगा बच्चा है कि नहीं, इसमें बच्चा है। ठीक है, तो अभी बच्चा निकाल लेंगे हम, बताते हैं आप लोगों को। मुंह खुलने से ही समझ में आ जाता है, आप लोग करेंगे तो प्रैक्टिकली करेंगे तो कुछ समझ जाएंगे। देखिए बच्चा निकल रहा है, ये देखिए मुंह का नीचे का हिस्सा, बस मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से दबा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए और भी निकल दिया, और है क्या, हाँ है। निकल गया, और अभी एक बार धो के देख लेता हूँ। नहीं है, ये मुंह का नीचे का हिस्सा फुला हुआ रहता है, पहले आपको दिखाया ना, अभी देखिए मुंह का नीचे का हिस्सा फुला हुआ नहीं है। इसमें कितना बच्चा है देखिए, करीबन 30 से 40 बच्चा है। अभी मछली को हम छोड़ देंगे इसको, और दूसरे वाले को उठाएंगे। इसने तो इधर ही बच्चा दे दिया भाई, देखिए दिखा देता हूँ, दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं। अच्छा ठीक है, पानी जब इसमें डालेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा बच्चा। ये देखिए मुंह का नीचे का हिस्सा कितना फूला हुआ है, देखिए देखिए कितना बच्चा निकल रहा है, ये देखिए। बनाना आइस ब्लू जो अफ्रीकन चिकलेट्स होता है ना, उसका एक हफ्ते में बच्चा ऐसे टेल निकल जाता है, ऐसे आंख निकल जाता है, रेडी हो जाता है बच्चा। मगर जो मलावी चिकलेट्स होता है इसका डेढ़ हफ्ते के आसपास टाइम लगता है मुंह में अंडा आने के बाद से अंडा हैच होने तक, डेढ़ हफ्ते के करीब टाइम लेता है।
और भी निकल रहा है, ये क्या देखिए, और नहीं है मुंह के अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं, और नहीं है। अभी इसको भी छोड़ देते हैं और ये पानी भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बच्चा है, जब ही उठाया हमने इसमें दे दिया बच्चा इसने। तो करीबन 80-90 के आसपास बच्चा हो गया है, दिखाओ घुमा के अच्छे से पूरा देखिए। ये बच्चा रेडी बच्चा है, ये बच्चा मरता नहीं है। अगर अंडा निकल लेता तो अंडे में से ज्यादातर हैच हो जाता, मगर कुछ बच्चा ऐसा होता कि हैच नहीं होता, अंडा खराब हो जाता, मर जाता। मतलब 40 अंडा देता तो 40 में से 30 से 35 हैच होता, 5 से 10 खराब हो जाता। मगर अगर ऐसे बच्चा निकालेंगे हम तो पूरा बच्चा ही रेडी बच्चा मिल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये एक भी मरता भी नहीं है, देखिए ना कितना बड़ा बच्चा है। मतलब मोलिस लाइव ब्यारा जो फीसेस होता है ना, मोलिस और टेल, इन सब के जैसा बड़ा बच्चा है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देंगे, चलो इधर। तो अभी हमारे पास जगह कुछ नहीं है भाई, ठीक है, छोड़ने का जगह नहीं है। तो अभी हम इसको इसमें छोड़ देंगे। इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं गप्पी से इसमें, मगर कुछ चिकलेट्स भी है। एक हफ्ते पहले हमने निकाला था, देखिए नीचे की तरफ चिकलेट्स जो समझते हैं वो दिखाई देगा, ये सब चिकलेट्स है, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेड गप्पीस है, ब्लैक स्नेक स्किन। तो गप्पीस क्या करता है, मतलब चिकलेट्स को हार्म नहीं करेगा, तो इसलिए हमारे पास जगह भी सब ब्लॉक हो चुका है, सब में ब्रीडिंग पेयर है या तो बच्चा है ऐसा कुछ है। तो इसको अभी इसमें छोड़ देंगे तो अच्छे से रह जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं ऐसे हिला के पकड़ रहा हूँ, कितना बच्चा है देखिए, इसमें सुबह को डपनिया भी दे दिया गया है इस टैंक में, तो बच्चा निकलते ही पूरा डपनिया खाने लग जाएगा, कल ही इसका पेट मोटा मोटा बन जाएगा। देखिए नीचे की तरफ चला जा रहा है सब, अभी सबको निकल देते हैं। देखिए भर गया, इधर दिखाओ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, भर गया पूरा बच्चे से। एक हफ्ते बाद, मतलब ये सब जो देख रहे हैं ना 1 सेंटीमीटर का, ये 1 हफ्ते पहले का बच्चा है, तो अभी ये भी 1 हफ्ते बाद 1 सेंटीमीटर का बन जाएगा। इसको जब हम टैंक में छोड़ेंगे ना तो और भी बड़ा हो जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि टैंक में बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है। पॉन्ड में तो और ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है, मगर टैंक में अच्छे ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है। तो सब छोड़ दिया है, मगर आपका जो व्हाइट कलर है ये अभी तक पूरा रेडी नहीं हुआ है, अभी तक एक भी अंडे से भरा नहीं है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी तो बारिश भी होगा 2-3 दिन तक, क्योंकि स्टॉर्म आ रहा है वो, तो बारिश भी होगा, तो तब तक इसमें अंडे से भर भी जाएगा शायद। इसको भी प्रोडक्शन कर लेंगे। एक आदमी के पास कुछ 5 कलर स्ट्रॉबेरी और कुछ इलेक्ट्रिक ब्लू कुछ पीकॉक मिला के 1500-2000 बच्चा है। उसको मैंने बोला है, मतलब हमारे यहाँ का दूसरा फार्मर है, उसके पास जगह नहीं है, उसने बोला कि हम बेच देंगे किसको लेना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई मुझे दे दो, मैं ले लूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वो भी आएगा बारिश, मतलब 3-4 दिन जो बारिश और जो स्टॉर्म होने वाला है उसके बाद आएगा। उसके बाद मैंने उसको बोला है, क्योंकि ये 3-4 दिन हम डपनियाँ कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सब एक्वेरियम्स में जितना डपनियाँ है 2 दिन तक चल जाएगा, बाकी 2 दिन ऊपर वाले की मर्जी से ऐसे ही टिक जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उसको देने के लिए बोला है, क्योंकि उसके बाद हमारा लेवल लोग डपनियाँ पकड़ने, मतलब पकड़ने जाएगा, डपनियाँ उन लोगों का पकड़ने आएगा, उसके इसलिए उसके बाद बोला। और कुछ नहीं, और क्या बोलूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई डपनियाँ पकड़ने का वीडियो उठाओ। एक्चुअली वो लोग बहुत सुबह सुबह चले जाते हैं इधर उधर पकड़ने, तो हम जाते नहीं हैं,
कभी जाएंगे उन लोगों के साथ, लेबर लोगों के साथ, तो जरूर उसका वीडियो बनाएंगे। और डपनिया बनता है खराब पौंड से, जो पौंड में लोगों का घर का मैल वगैरह जब निकल के पड़ता है ना, उसमें बनता है। अच्छे पौंड में जो साफ सुथरा पानी है, उस पौंड में डपनिया नहीं होता है। ये भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए हमने बोल दिया और कुछ नहीं। तो ये वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो लेके, तब तक के लिए।